everyone, I'm Richa Taparia and today we'll start the new chapter that is Form of Business Organization. क्या होता है forms of business organization? जब हम बोलते हैं हमें कोई new business start करना है तो उस केस के अंदर हम सोचते हैं हम कौन सा business start करें, right? बहुत सारे forms होते हैं अलग अलग जिसमें हम हमारा business start कर सकते हैं, जैसे sole proprietorship हो गया, HUF हो गया या partnership हो गया. आज हम first part देखेंगे इसके अंदर, जो हम देखेंगे इसके अंदर दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF एंड पार्टनरशिप. एंड इन सेकेंड पार्ट विल स्टडी अबाउट द कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप. व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप? वी कैन से कि अगर हमें जैसे कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट, अगर मुझे अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास इतना कैपिटल भी नहीं है, मुझे रिस्क भी ज्यादा नहीं लेना है, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगी? उस केस के अंदर मैं सोचती हूँ यार छोटा मोटा बिजनेस हम स्टार्ट कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट द एक्सपांशन और फिर मैं जाऊंगी तो पार्टनरशिप के अंदर, कंपनी के अंदर मैं क्रिएट कर सकती हूँ. लेकिन जब मुझे इनिशियल लेवल पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं अकेले हूँ और कोई अदर पर्सन मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे साथ पार्टनर नहीं बनना चाहता है और मैं भी अभी चाहती हूँ यार अभी तो इनिशियल लेवल है, तो हम क्या करें? हम उस केस के अंदर प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं. प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? ये मैनेज्ड होता है वन पर्सन से, ठीक है? अगर आज मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास इतना कैपिटल भी नहीं है, तो उस केस के अंदर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जा सकती हूँ. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा? वन पर्सन रहेगा. जैसे अगर मैंने स्टार्ट किया तो ओन भी मुझे करना है, मैनेज भी मुझे करना है, कंट्रोल भी मुझे करना है. इस केस के अंदर सब कुछ कंट्रोलिंग ओनरशिप किसके पास है? सिर्फ मेरे पास, क्योंकि और कोई मेरे पास इस केस में नहीं है. दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. देन वी गो अबाउट फॉर द HUF. तो HUF क्या है? HUF इज अक्वायर्ड बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस. ये जो इनहेरिटेंस है, व्हाट इट मीन बेटा? इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, वी कैन से कि जैसे अगर हमारे पेरेंट्स है, ग्रैंडफादर्स है, ग्रैंड ग्रैंडफादर्स है, थ्री जनरेशन आर क्रिएटेड, उस केस के अंदर हमारे पेरेंट्स, ग्रैंडफादर्स, इन लोगों की जो प्रॉपर्टी रहती है, अगर उस प्रॉपर्टी से हम क्या कर रहे हैं? हमारा बिजनेस अक्वायर कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का क्या कर रहे हैं? हम वो असेट से इनकम को क्रिएट कर रहे हैं. सो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर मैं बोल सकती हूँ हम हमारे HUF क्रिएट करके वो इनकम मैं इस बिजनेस में क्रिएट कर सकती हूँ. जो हमारे ग्रैंडफादर, हमारे थ्री जनरेशन वाले लोगों ने क्या किया है? कुछ असेट से इनकम क्रिएट की है और वही इनकम मैं क्या कर रही हूँ? मेरे बिजनेस में यूज कर रही हूँ. उसे बोला जाता है इनहेरिटेंस. HUF के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है. इस केस के अंदर ये हम बोलते हैं हिंदू लॉ क्रिएट है, उसके अंदर इसके सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं. जैसे ही कोई मैरी करता है, उस केस के अंदर हम बोलते हैं इफ एनीवन गेट मैरिड तो HUF क्रिएट कर सकते हैं. HUF क्रिएट करने के बाद, जब भी हम बोलते हैं कि मैरी करने के बाद, उस केस में जब चिल्ड्रेन और होते हैं तो वो भी क्या होते हैं? बाय बर्थ इसके मेंबर्स हो जाते हैं. जब HUF के अंदर हम देखते हैं कि इस केस के अंदर जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है वो क्या होता है? उसे बोला जाता है कर्ता. दैट इज कर्ता. ये जो कर्ता होता है ये ही सब क्या करता है? कंट्रोल और मैनेज करता है. जब हम बोलते हैं फैमिली है HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इस केस के अंदर जो भी फैमिली के मेंबर्स है वो सब क्या होंगे? ये बिजनेस के मेंबर्स रहेंगे. लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा राइट किसके पास होता है? कर्ता के पास. और कर्ता कौन होता है? जो सीनियर मोस्ट पर्सन है. जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन होगा वही सब कुछ देखेगा इसके अंदर, उसे बोला जाता है कर्ता. और बाकी सब लोग क्या हो जाएंगे? इस फैमिली के मेंबर्स है, वो बिजनेस में मेंबर्स बोले जाएंगे. तो नेक्स्ट इज पार्टनरशिप. अब पार्टनरशिप में क्या है? इट इज मैनेज्ड बाय मोर देन वन पर्सन. जब हम वन पर्सन की बात करते हैं, अगर वन पर्सन ही है सो वी गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. लेकिन हमें अगर एक से ज्यादा लोग चाहिए, मोर देन वन पर्सन चाहिए, तो उस केस के अंदर हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? पार्टनरशिप. सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस, दैट इज पार्टनरशिप. तो हमने यहाँ पे ये तीन टाइप्स के बिजनेस फॉर्म्स देखे, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF एंड पार्टनरशिप. नाउ विल स्टडी इन डिटेल कि ये तीनों में क्या लिमिटेशंस है, क्या एडवांटेजेस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. वी गो फॉर वन बाय वन.
फर्स्ट वन सोल प्रोप्राइटरशिप, ये मैंने आपको पहले ही बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप मैनेज बाय वन पर्सन, एक ही पर्सन होता है कंट्रोलिंग, ट्रांसफरिंग, जो भी चीज है मैनेज करना, ओनरशिप सब किसके पास होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के पास होता है। जब हमें इनिशियल लेवल पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप से हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल भी कम चाहिए, रिस्क भी हमें कम है। तो इस केस के अंदर मैं क्या करूंगी, प्रोप्राइटरशिप के अंदर जाऊंगी। तो फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हो गया, एक तरीके से डिटेल इसका मीनिंग हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सबसे पहले इसमें है दैट इज इजी टू एस्टेब्लिश। व्हाट इज इजी टू एस्टेब्लिश, क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में इतने कुछ कॉम्प्लिकेशंस, लॉज नहीं होते, रेगुलेशंस नहीं होती, लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती। मैं जब चाहूं इसमें क्या कर सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ, प्रोप्राइटरशिप क्रिएट कर सकती हूँ, उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है। इसीलिए ये बहुत जल्दी से हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें उसमें हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो जब मेरे पास थोड़ा बहुत ही कैपिटल है तो उस केस के अंदर मैं प्रोप्राइटरशिप में जा सकती हूँ। तो प्रोप्राइटरशिप में हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती, और थोड़ा बहुत और अगर हमें चाहिए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बैंक से बोरो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज कैपिटल। देन पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन हम बोलते जो भी काम है, पूरा मैनेजमेंट का काम है, जो भी हम बोलते परचेस करना है, सेल करना है, अकाउंट्स का वर्क है, कलेक्शन का वर्क है, कुछ भी वर्क है, वो कौन करेगा इसके अंदर, यहाँ पे तो एक ही पर्सन है, यहाँ पे कोई और पर्सन तो है नहीं जो मैं सब में क्या करूं, डिवाइड कर दूं वर्क। क्या ये पार्टनरशिप है कि इतने सारे पार्टनर्स है, किसी को परचेस का काम दे दिया, किसी को सेल्स का काम दे दिया, किसी को हमने कलेक्शन का दे दिया, किसी को अकाउंटेंसी दे दी, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे होल एंड सोल कौन है, ओनली दी वन पर्सन, उसी को सब करना पड़ेगा। सो दैट इज पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, दैट इज विद सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजंस। फ्रीडम ऑफ वर्क, मेरा अकेले का बिजनेस है, क्या मुझे किसी से यहाँ पे पूछना पड़ेगा कि ये मैं करूं या नहीं करूं, मुझे एक्सपांशन करना है या करूं या नहीं करूं, इस चीज की डिमांड है, क्या मैं ये स्टार्ट करूं या नहीं करूं, किसी से नहीं पूछना, मेरे पास पूरा फ्रीडम है, मैं जितना चाहूं उतना पैसा लगाऊं, जितना मुझे करना है मैं करूंगी। तो यहाँ पे मुझे रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं। तो इस केस के अंदर जैसे मुझे करना है मैं कर सकती हूँ, और यहाँ पे मुझे कोई भी डिसीजन लेना है तो क्या यहाँ कोई प्रोसेस होगी, क्या यहाँ पे पार्टनर्स है, क्या मुझे सबसे पूछना पड़ेगा, नहीं, मैं अकेले हूं, मुझे जो डिसीजन लेना है इसके अंदर मैं क्विकली डिसीजंस ले सकती हूँ, यहाँ पे कोई डिले नहीं होगा। देन लायबिलिटी। लायबिलिटी टर्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये आना चाहिए। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, ऑलरेडी यू हैव स्टडी इन अकाउंट्स। लायबिलिटी मतलब जब हम बोलते हैं कि हमें पेमेंट करना है, हमने किसी से उधारी पे गुड्स लिए हैं, उधारी पे हमने लोन लिया है, और जब हमें उसे वापस रिटर्न करना है, जब हमें उसे वापस पेमेंट करना है, तो हमारी क्या एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर लायबिलिटी का क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये जो लायबिलिटी रहती है ये कैसे रहती है इनकी, अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड मतलब कि अगर जैसे मैंने बैंक से मैंने लोन लिया और उस केस में मुझे आफ्टर 5 ईयर्स पेमेंट करना है। अब मेरे पास मेरा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो उस केस के अंदर मैं वापस पेमेंट कैसे करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो उस केस के अंदर मुझे मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसे देने पड़ेंगे। मुझे मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को, मेरा हाउस है, मेरा कुछ भी है, कोई असेट्स है, उसे मैं सेल करके मुझे बैंक को पैसा देना पड़ेगा। बैंक ये नहीं बोलेगा ठीक है आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, जब चले जब पैसा दे देना, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी क्रिएट होती है। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे पास पैसों की कमी आ गई, उस केस के अंदर ऐसा नहीं है बैंक बोलेगा मत दो, वो बोलेगा ठीक है आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, आप क्या करो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से पैसा दो। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज भी हो गया ये फर्म का, कि आपको आपका बिजनेस चले या नहीं चले आपको अपना पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस हो, हमने किसी से क्रेडिट पे गुड्स लिए उसे भी देना पड़ेगा, और बैंक से लिए तो बैंक को भी देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी में क्या होगा इस केस के अंदर, इट मीन्स सीक्रेसी मेंटेन करना। मैं अकेले ही मेरा बिजनेस कर रही हूँ तो उस केस के अंदर क्या कोई इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, मैंने कुछ प्लानिंग की, मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज क्रिएट की है, तो क्या ये स्ट्रेटेजीज कहीं और मैं लीक कर सकती हूँ,
नहीं, क्यों? क्योंकि बुध मैंने क्रिएट की है, यहाँ पे लीक होने के चांसेस बहुत कम है। पार्टनरशिप में हम बोलेंगे 5, 10 कितने पार्टनर्स है, तो उस केस के अंदर मैं बोल सकती हूँ कि वो लीक हो सकती है इंफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ सिक्रेसी आपकी मेंटेन रहेगी। देन नेक्स्ट इज पर्सनल कॉन्टेक्ट। पर्सनल कॉन्टेक्ट ऑब्वियसली रहेगा, मैं एक ही हूं जो मैं पूरा बिजनेस संभाल रही हूँ, पूरा हैंडल कर रही हूँ। उस केस के अंदर कस्टमर्स आएंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग इंटरेक्ट होंगे, राइट? मुझे पता चलेगा इनका टेस्ट क्या है, इनकी डिमांड क्या है, इन लोग का प्रेफरेंस क्या है। तो उस केस के अंदर ये मेरा एक तरीके से एडवांटेज होगा कि मैं डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ, इंटरेक्ट कर सकती हूँ। हम भी कोई शॉप पे जाते हैं और अगर हमारे साथ शॉपकीपर्स बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमें पता है कि शॉपकीपर को पता है हमारी चॉइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें गुड्स दिखा देता है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें हमारी ड्रेसेस का मटेरियल दिखा देता है कि हाँ ये जो मैम है इनको तो यही अच्छा लगेगा, राइट? तो वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग हमें चीजें दिखा देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है जब हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप की बात है, तो 1-to-1 कॉन्टेक्ट यहाँ पे होता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप मैनेजमेंट किसके हैंड्स में है, सब कुछ यहाँ पे कौन हैंडल करेगा, दैट इज ओनली वन सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट? तो ये हमारे यहाँ पे कुछ क्या थे, दैट इज ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स वी स्टडीड अबाउट। नाउ इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है दैट हाउ यू कैन लर्न इट इजीली, तो शायद आपको भी ये हेल्पफुल रहे, आप लोग इसे जल्दी से इस ट्रिक के थ्रू इसे लर्न कर सकते हैं। मैंने इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, दैट इज लैक्स ऑफ ईटेबल चॉकलेट्स, लैक्स ऑफ ईटेबल चॉकलेट्स। इसके अंदर जो मैंने ये कैप्स में लिखा है, दैट इज LACS, OF, E एंड C, ये जो मैंने यहाँ पे लैक्स ऑफ ईटेबल चॉकलेट्स को जो कैप्स में लिखा है, दैट विल कवर योर ऑल पॉइंट्स हियर। वो आपका क्या करेगा, ये पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेगा। दैट इज जैसे LACS, LACS में क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले लाइबिलिटी आ गई, राइट? ये हो गया हमारा लाइबिलिटी। देन ए, ए इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आ गया हमारा। देन सी, सी इज फॉर पर्सनल कॉन्टेक्ट आ गया इसके अंदर हमारा। देन एस इज फॉर, एस के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, सिक्रेसी, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ सिक्रेसी। ये आ गया सिक्रेसी, ये हो गया लाइबिलिटी हमारा, सी से हो गया यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट, और ए से हो गया हमारा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस फोर पॉइंट्स कवर्ड हियर। देन ओ एफ, दैट इज ऑफ, ऑफ के लिए हमारा यहाँ पे क्या कवर होगा, दैट इज ओनरशिप एंड दैट इज फ्रीडम, इट कवर्ड हियर। देन ईटेबल, ई इज फॉर इजी टू एस्टेब्लिश एंड सी इज फॉर चॉकलेट्स, दैट इज कैपिटल। तो बेटा वी हैव कवर्ड हियर दिस 8 पॉइंट्स एंड दैट इज लैक्स ऑफ ईटेबल चॉकलेट्स, ठीक है? तो मैंने ये यहाँ पे कवर किया है कि ये कैसे ये पॉइंट्स यहाँ पे आप लोग इजीली लर्न कर सकते हो। आई थिंक इट इज द शॉर्टेस्ट आई हैव मेड फॉर यू कि कैसे हम इसे लर्न कर सकते हैं, दैट इज लैक्स ऑफ ईटेबल चॉकलेट्स, क्लियर? देन नेक्स्ट इज सम एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस आर आल्सो देयर दैट वी हैव टू स्टडी। जब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया है फ्रेंड्स, तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से तो हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकाल सकते हैं, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, अब एडवांटेजेस हमें खुद को पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। सबसे पहले है इजी एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, जो मैंने बताया इसके अंदर कोई आपका कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं है कि आपको यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है इसकी। तो उस केस में बोलेंगे इसकी एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस बहुत ईजी है, लेस कैपिटल, कैपिटल लेस है इसीलिए तो हम इसमें आए हैं, इसीलिए तो हमने प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट किया है। सो लेस कैपिटल, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी हमने देखा, यहाँ पे वन पर्सन है तो पूरा सीक्रेट्स आपके मेंटेन रहेंगे, आप इसके अंदर क्विक डिसीजंस ले सकते हो, आपको यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है, किसी से आपको पूछना नहीं है कि इसमें डिले होगा आपके डिसीजंस को। पर्सनल कॉन्टेक्ट यहाँ मेंटेन रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी इसके अंदर, जब मुझे चाहिए मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकती हूँ, कस्टमर्स की डिमांड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, चेंज ला सकती हूँ जब मुझे चाहिए, जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स चेंज कर सकती हूँ, मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ, तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। लेस टैक्स बर्डन, ये कैसे हुआ, लेस टैक्स बर्डन कैसे हुआ, देखो प्रोप्राइटरशिप हम बोलते हैं एक छोटा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, छोटा इनकम क्रिएट होगा, ज्यादा हम लॉन्ग इसके अंदर इनकम क्रिएट नहीं कर सकते। इनकम लेस है तो प्रॉफिट भी लेस है, और प्रॉफिट लेस है तो टैक्स बर्डन कम रहेगा, इतना टैक्स आपको यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, नहीं पे करना पड़ेगा। एंड लेस लीगल रेस्ट्रिक्शंस, ये हमने पहले ही देखा यहाँ पे इतने कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, दिस ऑल आर द एडवांटेजेस, दैट इज इजी एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, लेस कैपिटल, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, क्विक डिसीजन, पर्सनल कॉन्टेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, लेस टैक्स बर्डन, एंड लास्ट इज लेस लीगल रेस्ट्रिक्शंस।
लास्ट वन लिमिटेशंस. अब कुछ लिमिटेशंस तो आएंगी, एडवांटेज है तो वहां पे कुछ लिमिटेशंस तो होनी ही है. क्या है वो? लिमिटेड कैपिटल. देखो ऑब्वियसली एक ही बंदा बिजनेस चला रहा है राइट, तो कितना पैसा आएगा उसके पास? कुछ पैसा तो है उसके पास, और कुछ अगर उसको चाहिए तो वो क्या करेगा, बैंक से ले लेगा. लेकिन बैंक से भी लेगा तो उसे कोलैटरल कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पे अपनी असेट्स रखनी पड़ेगी. कोलैटरल मतलब सिक्योरिटी पे कुछ रखना पड़ेगा, तो एक लिमिटेड कैपिटल ही उसके पास होगा. जैसे पार्टनरशिप में हम बोलेंगे 10 पार्टनर है राइट, 5 पार्टनर्स है तो सब लेके आएंगे तो इससे ज्यादा कैपिटल वहां पे क्रिएट होगी. लेकिन यहाँ पे तो एक ही पर्सन है ना, तो कितना ला सकता है? एक लिमिटेशन में ही ला सकता है. तो दिस वन इज अ लिमिटेड कैपिटल. देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो हमने देखा कि इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उनको अपने जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे भी पे करना पड़ सकता है. देन शॉर्ट ड्यूरेशन. शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब, अब देखो यहाँ पे एक ही पर्सन है, इन केस अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसका कोई मेंटल इश्यू हो जाता है, तो उस केस के अंदर आपका ये बिजनेस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, एंड हो जाएगा. तो इसका ड्यूरेशन बहुत छोटा है कि अगर वो पर्सन को कुछ होता है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बिजनेस को बंद करना पड़ेगा. इन केस एक्सेप्शनल अगर उसका सन है एंड इज लाइबल फॉर डूइंग बिजनेस, तो उस केस में अलग बात है, नहीं तो हम बोलेंगे फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. देन लिमिटेड वर्क कैपेसिटी. वर्क कैपेसिटी लिमिटेशन में आएगा ही, क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन है, वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी स्मार्ट हो, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या सारा टैलेंट होगा? नहीं. पार्टनरशिप में बोलेंगे 10 पार्टनर, 10 के पास अलग अलग टैलेंट होगा, बट यहाँ पे हम बोलेंगे एक लिमिटेशन कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगी. उसके पास बहुत टैलेंट नहीं हो सकता. हम नहीं बोल सकते वो अकाउंट्स में भी बेस्ट है, वो सेल्समैन में भी बेस्ट है, वो परचेस में अच्छा डिस्काउंट भी कर लेता है, क्या सारे उसके पास मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है? ऐसा नहीं हो सकता. तो हम वही बोलेंगे उसको एक या दो में उसका स्पेशलाइजेशन हो सकता है, बट इतना टैलेंट उसके पास नहीं रहेगा. इसीलिए कहीं ना कहीं कैपेसिटी वर्क में प्रॉब्लम आएगा. पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजंस. ऑब्वियसली एक ही पर्सन है, क्विक डिसीजंस हमने बोला कि ले लेगा, लेकिन क्विक डिसीजंस में ही कभी कभी गलत डिसीजंस लिए जाते हैं. पर्सन अकेला है, डिसीजन फटाफट ले लिया उसने कि हाँ काम फटाफट हो जाएगा, बट बाद में रियलाइज हुआ ये तो गलत कर दिया मैं, तो ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया ना, कि अगर जल्दी जल्दी में हमने कोई डिसीजन लिया है, किसी का कंसेंट भी नहीं है, मैंने खुद नहीं ले लिया, पार्टनरशिप में हम बोलेंगे चार जने हमने मिलके लिया, तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे हाँ चारों ने मिलके लिया है तो सही होगा. बट यहाँ पे हम कभी कभी गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं. एंड लास्ट इज लैक ऑफ एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस. ऑब्वियसली यहाँ पे हम लार्ज स्केल पे नहीं जा सकते, इट्स सोल प्रोप्राइटरशिप, इट इज स्मॉल बिजनेस होता है. अगर हमें लार्ज एक्सपांशन करना है सो वी कैन गो फॉर पार्टनरशिप. तो यहाँ पे हमारे पास ये एक डिसएडवांटेज है. तो ये हमने कुछ यहाँ पे क्या देखे, दैट इज लिमिटेशंस, लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, शॉर्ट ड्यूरेशन, लिमिटेड वर्क कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, एंड लास्ट इज लैक ऑफ एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस. क्लियर है? तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी. तो अब ये सब हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट हुआ. इसके अंदर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में मेमोरी टेक्निक बता दी. नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर दी HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मैंने आपको पहले ही बताया कि दैट इज HUF. इसके अंदर हम बोलते हैं जो सबसे फैमिली में जो सबसे हम बोलते हैं एल्डेस्ट पर्सन है उसको कर्ता माना जाता है. सीनियर मोस्ट पर्सन है वो होता है हेड होता है. वो क्या होता है? हेड होता है ये बिजनेस का, उसी को बोला जाता है. इन केस अगर उसे कुछ हो जाता है, मेंटल इश्यू या उसकी डेथ हो जाती है, तो सेकेंड मोस्ट सीनियर पर्सन है वो उसको हेड मान लिया जाता है बिजनेस का. ये जैसे ही कोई पर्सन मैरी करता है HUF अपनी क्रिएट कर सकता है. HUF क्रिएट करने के बाद जब उसके बच्चे होते हैं तो उस केस के अंदर भी वो क्या हो जाते हैं, बाय बर्थ ही वो लोग क्या हो जाते हैं, इस बिजनेस के मेंबर्स हो जाते हैं. उन सबको मेंबर्स बोला जाता है और जो सबसे बड़ा हेड होता है उसे कर्ता बोला जाएगा. ठीक है, तो इसके अंदर हमें इनहेरिटेंस वाला भी इसके अंदर आएगा कि जैसे अगर कोई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स के कोई भी अगर असेट्स है तो उस केस के अंदर ये HUF बिजनेस में मैं उन असेट्स को यूज करके इनकम क्रिएट कर सकती हूँ. तो वो भी हमारा क्या होता है, HUF बिजनेस में हम उसे यूज कर सकते हैं. क्लियर है? अगर इसका एक एग्जाम्पल हम लें तो सपोज मिस्टर ए एंड मिसेज ए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ थे, उन दोनों के पास अच्छी असेट्स थी, प्रॉपर्टीज थी उन लोगों के नेम पे. अब उस लोगों के नेम पे असेट्स थे और वो लोग रेंटल इनकम वो फ्लैट से अर्न करते थे. देन व्हाट हैपेंड, कोई एक एक्सीडेंट में दे बोथ डाइड. ओके, दे बोथ डाइड. तो उस केस के अंदर उनके थ्री सन्स थे, दे हैव थ्री सन्स,
उस केस के अंदर बेटा ये जो HUF क्रिएट हो जाएगा, जो उनकी असेट्स थी, अब वो किसके नाम हो जाएगी, इन तीन बच्चों के नाम हो जाएगी, ठीक है, थ्री सन्स है उनके अंदर, वो क्या हो जाएगी, असेट्स का पैसा, जो असेट्स था उसकी इनकम इन लोगों को मिल जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी उनका था, फ्लैट था, उससे रेंटल इनकम आ रही थी, तो ये जो रेंटल इनकम है, तो ये हम क्या बोलेंगे, उनके पेरेंट्स के असेट्स थे, जो कि क्या हो गया, इन लोगों ने अपने नाम पे, मतलब HUF के नाम पे करवा दिया, तीन सन थे तो डिवाइड तो करेंगे नहीं वो, तो HUF के नाम पे, और इनके HUF के नाम पे क्या होगा, वो इनकम अर्न होती रहेगी, तो वो तीन सन्स जो थे वो मेंबर्स हो गए यहाँ के, ठीक है, उसमें कोई सीनियर मोस्ट जो होगा तीनों में से वो क्या हो जाएगा, करता, और पैसा जो है वो पूरा फैमिली में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर हम नहीं बोलेंगे ये सन को इतना मिलेगा, ये सन को इतना, या ये सन को इतना, जो HUF के नाम से ये फर्म स्टार्ट हो जाएगी, और उस केस के अंदर जो भी इनकम आएगी वो HUF में टैक्सेबल हो जाएगी, और ये तीनों सन अपने हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या हो गया कि उनके पेरेंट्स की जो इनकम असेट्स थी उससे हमने क्या किया, इनकम क्रिएट कर लिया, तो वो चीज भी क्या होती है, वो HUF में हम इस तरीके से ये क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनहेरिटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं तो हम बोलते हैं जैसे ही मैरिज होता है वैसे ही क्या होता है, HUF क्रिएट कर सकते हैं, वो भी होता है, तो दैट इज HUF। अब इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखते हैं हम क्या है, एग्जिस्टेंस बाय लॉ, ये एक लॉ के थ्रू क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, दैट इज हिंदू लॉ, हमने बोला था इसमें भी कुछ इतने रेगुलेशंस वगैरह नहीं है, तो ये एग्जिस्टेंस हुआ है लॉ के थ्रू। मैनेजमेंट, यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट रहेगा वो कौन देखेगा, दैट इज कर्ता, सब कुछ यहाँ पे कौन देखता है, यहाँ पे कर्ता देखता है, क्योंकि वो ही क्या है, यहाँ पे कर्ता ही सब कुछ मैनेज करता है, वही एक ओनर है। इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन, इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन, दैट इज करता हैव टू लुक अराउंड ऑल द थिंग्स, ठीक है, उसे ही सब कुछ देखना है, उसे ही यहाँ पे सब कुछ मैनेज करना है, उसे ही पूरा राइट है, हर एक डिसीजन वो ही लेगा, यहाँ पे जो भी मेंबर्स है उन लोगों को कोई राइट नहीं है इंटरप्ट करने का, जो कर्ता ने बोल दिया वही माना जाएगा, वही डिसीजन फाइनल होगा, अगर पूछा जाएगा किसी से सो ही कैन इंटरफेयर, नहीं तो नहीं कर सकते। मेंबरशिप, जो भी फैमिली के अदर मेंबर्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे मेंबरशिप, उनकी एक तरीके से यहाँ पे मेंबरशिप हो जाएगी, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ दिस बिजनेस। फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल पूरा किसके हैंड्स में रहेगा, दैट इज कर्ता, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो कौन देखेगा, सब कुछ यहाँ पे कर्ता देखेगा, उसी का कंट्रोलिंग यहाँ पे चलेगा। लाइबिलिटी, अब इस केस के अंदर लाइबिलिटी जो कर्ता की रहेगी वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, और जो बाकी हमारे यहाँ पे मेंबर्स है उन लोगों की जो लाइबिलिटी है वो क्या रहेगी, वो लिमिटेड रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कर्ता की जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो मेंबर्स की है वो लिमिटेड हो जाएगी। इन केस किसी से लोन लिया पे करना पड़ेगा तो मेंबर्स तो जितने बिजनेस में पैसा उतना ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी पे करना पड़ सकता है, दैट इज कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। क्लियर। देन लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम बोलते हैं लाइफ स्पैन, अगर सपोज करता अगर कोई केस में डाई हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो HUF बंद नहीं होता, उसका जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उसके बाद में वो कंटिन्यू करेगा HUF, तो ये क्या होता है, ये बंद नहीं होता, ये डिजॉल्व नहीं होता, ये चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट नहीं है। डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड, अब डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड तो होगा ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करता है, कर्ता के पास जो भी पैसा है उसने लगा दिया, अब बाकी तो मेंबर्स ही है ना घर के, तो जितना पैसा था वो तो उन सबका ही हुआ, तो बाकी और पैसा कहां से लेंगे, मेंबर्स को भी क्या बोलेंगे, पैसा तो घर का ही लग रहा है यहाँ पे, राइट, कर्ता भी घर का, ये पूरी फैमिली से ही चलता है बिजनेस, तो फंड और रेस कहां से कर सकते, वो तो फिर बाहर से ही लेना पड़ेगा ना, और तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि घर में जितना पैसा है सब मेंबर्स ऐसे तो है नहीं, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते, सेम फैमिली के, तो इसके अंदर थोड़ा डिफिकल्टी आएगा इन रेजिंग फंड। एंड लास्ट वन, इंसॉल्वेंसी, अगर कोई करता अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में पूरे मेंबर्स भी इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो इंसॉल्वेंसी इस तरीके से अगर करता हो गया इंसॉल्वेंट तो ऑब्वियसली सारे मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। सो दिस ऑल आर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने देखा डेट इज एग्जिस्टेंस बाय लॉ करता है, मैनेजमेंट पूरा करता के हैंड्स में है, इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन, जो भी इंडिपेंडेंटली सब कुछ देखना है वो किसको देखना है, करता को देखना है, मेंबरशिप, सारे जो भी फैमिली के मेंबर्स है दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, देन फाइनेंशियल कंट्रोल सब कौन देखेगा, कर्ता देखेगा, लाइबिलिटी इसके अंदर कर्ता की अनलिमिटेड है, बाकी सब की लिमिटेड है,
लाइफ स्पैन इसके अंदर हम बोलेंगे कंटिन्यू रहेगा, ये बंद नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, डिफिकल्टी होगा इन रेजिंग फंड, एंड लास्ट इज इंसॉल्वेंसी, जो हमने देखा करता अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो सारे मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? नाउ मैंने इसके लिए कोई मेमोरी टेक्निक बनाई है इजी लर्न करने के लिए। सो व्हाट इज दैट, ईएमआई पे मैंने फ्लैट लिया एंड लाइबिलिटी रेज्ड इन। अब देखो इसके अंदर ईएमआई व्हाट इट कवर्स, इट कवर्स एग्जिस्टेंस बाय लॉ। ठीक है, ई से हो गया एग्जिस्टेंस बाय लॉ, एम कवर मैनेजमेंट, आई कवर इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन। ये ईएमआई से हमारे ये थ्री पॉइंट्स कवर हो चुके। पे मैंने, ठीक है, पे इज जस्ट ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये पे किया है। देन एम इज फॉर मेंबरशिप, फ्लैट, एफ इज फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल, लिया, एल इज फॉर लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी रेज्ड इन। लाइबिलिटी रेज्ड इन के अंदर रेज्ड इज फॉर दिस, इन इज फॉर इंसॉल्वेंसी, एंड दिस लाइबिलिटी इज फॉर दिस, एंड एल इज फॉर लाइफ स्पैन। ये थोड़ा सा इधर से रिवर्स हो गया है। सो लिया जो आएगा वो हमारा हो गया लाइफ स्पैन के लिए, एंड लाइबिलिटी हो गया हमारा इसके लिए। ओके, सो ईएमआई पे मैंने फ्लैट लिया एंड लाइबिलिटी रेज्ड इन। क्लियर है? तो ये हमारे इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने ये लिखा है। ईएमआई पे मैंने फ्लैट लिया एंड लाइबिलिटी रेज्ड इन। ओके, नाउ लास्ट वन दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हेन वी हैव टू स्टार्ट द बिजनेस, जब हमारे पास एक से ज्यादा पर्सन है, हमें थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा बड़ा बिजनेस अगर करना है तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम उस केस के अंदर पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, मेरे पास थोड़ा कैपिटल ज्यादा है प्रोप्राइटरशिप से, मुझे चाहिए एक्सपांशन, यहाँ पे मुझे ज्यादा चाहिए, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगी, मैं मेरा पार्टनरशिप यहाँ पे स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखो हम पार्टनरशिप के भी यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे देखेंगे। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? रिलेशन बाय अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या हो सकता है यहाँ पे आपको बेटा पार्टनरशिप जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको अग्रीमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। अग्रीमेंट क्या हो सकता है यहाँ पे? इट कैन बी ओरल और इट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन। बट प्रेफरेंस किसे दिया जाता है, ओरल को या रिटन को? इट कैन बी रिटन। क्यों? क्योंकि रिटन जब आप बनाओगे तो आगे कुछ भी डिस्प्यूट्स होंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओरल में अगर मैंने अग्रीमेंट बना लिया, चार पार्टनर है, हमने ओरल में ही सब कुछ अग्रीमेंट कर लिया कि ऐसे है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, आगे कुछ ऐसे होगा तो ऐसा कैपिटल इतना लाना है, सब कुछ हमने ओरली डिस्कस कर लिया। फ्यूचर में हमें कोई इश्यूज आए, कोई डिस्प्यूट्स हो गया तो उस केस के अंदर क्या होगा, कोई कुछ बोलेगा तो इसके अंदर डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रिफरेबल होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रिटन अग्रीमेंट बनाना चाहिए कि फ्यूचर में अगर कोई इश्यू आए तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो इस अग्रीमेंट को देख सकते हैं, हम देख लेंगे हाँ अग्रीमेंट में तो ये लिखा है, तो उसके अगेंस्ट जो भी लिखा हुआ है जो उसके फेवर में वही मान लिया जाएगा। सो दैट इज व्हाट रिलेशन बाय अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट से क्रिएट होता है। एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर। अब प्रोसीजर इसकी क्या होती है? प्रोसीजर भी इसकी कोई इतनी टफ नहीं होती, इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, इसकी जो प्रोसेस है वो भी सिंपल होती है, इतने कुछ रेगुलेशंस नहीं रहते इसमें। देन रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना इट्स नॉट मैंडेटरी। इसमें पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है तुम रजिस्ट्रेशन करवाओ, करवाना है तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे सो इट विल बी बेनिफिट फॉर यू। क्यों? अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होती है, रजिस्टर्ड होती है, तो उस केस में आप कोर्ट के पास जा सकते हो। आपको अगर आपके कोई पैसे डूबे हुए हैं, कोई नहीं दे रहा है, कोई डेट्स में चला गया, तो उस केस के अंदर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है उस केस में कोर्ट भी आपका हेल्प नहीं करेगा। तो वही है, अगर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है फ्रेंड्स तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। एक्ट में नहीं लिखा है, इज अ एक्ट फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको क्या करना है, इट्स मैंडेटरी। नो, इट्स नॉट गिवन दैट इट इज मैंडेटरी टू बी रजिस्टर्ड। देन नंबर ऑफ पार्टनर्स, हम बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स यहाँ कितने होने चाहिए, मिनिमम टू पर्सन होने चाहिए फॉर स्टार्टिंग द पार्टनरशिप फर्म। क्यों? वन तो हमारा प्रोप्राइटरशिप में भी है
तो वन तो चाहिए नहीं, अगर आपके पास दो पर्सन है सो यू कैन स्टार्ट द पार्टनरशिप फॉर्म. देन पर्पस, पर्पस क्या होगा इसका, क्या पर्पस हो सकता है? ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करना. अगर मुझे प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है तो वी कांट स्टार्ट पार्टनरशिप. अगर आपका मोटिव है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो. इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना ही होता है. देन कैपिटल, व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा कैपिटल आएगा आपके पास. क्यों? क्योंकि पार्टनर्स है, सारे पार्टनर्स है, सब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. तो जो भी यहाँ पे पार्टनर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देंगे, जिससे आपका क्या होगा, कैपिटल रेज होगा. क्लियर? देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये किसके हैंड्स में रहेगा, सारे पार्टनर्स के हैंड में आपका क्या है, यहाँ पे मैनेजमेंट रहेगा आपका. यहाँ पे मैनेजमेंट सब पार्टनर्स को इक्वली यहाँ पे देखा जाएगा, कैसे किस तरीके से काम करना है, पूरा मैनेज कैसे करना है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अब यहाँ पे भी क्या है, जैसे हमने प्रोप्राइटरशिप में देखा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वैसे ही क्या होता है इन द केस ऑफ पार्टनरशिप भी, आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी. मीन्स आपको इस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे करना पड़ सकता है. इन केस आपको कहीं पे करना है एंड यू डोंट हैव सफिशिएंट मनी टू पे, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से आपको पे करना पड़ेगा. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अगर मेरे पास पार्टनरशिप में मैं पार्टनर हूं और अगर मुझे वो मेरा शेयर किसी और को ट्रांसफर करना है तो क्या मैं ऐसे ही कर सकती हूँ? नहीं, मुझे म्यूचुअल कंसेंट लेना पड़ेगा बाकी पार्टनर से, एंड इफ दे अग्री आई कैन ट्रांसफर दी शेयर, मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ. तो यहाँ पे लेकिन क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट सब पार्टनर्स का होना चाहिए. देन लीगल स्टेटस, इसमें जो भी लीगल स्टेटस हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे लीगल स्टेटस डिसाइड हो जाएगा. इसमें जो भी आपके लॉज है आपको फॉलो करने पड़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर. लाइफ स्पैन ऑफ फर्म, लाइफ स्पैन ऑफ फर्म इस केस में मैं बोल सकती हूँ अगर चार पार्टनर है, एक पार्टनर की अगर डेथ हो गई तो उस केस के अंदर आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा. क्या हो जाएगा, डिसॉल्व. हाँ, हम बोल सकते हैं चार पार्टनर है, तीन को कंटिन्यू करना है, बट उसे क्या बोला जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि वो पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो गई. अब ये सही है कि आप जो तीन पार्टनर है दे कैन कंटिन्यू, दे कैन कंटिन्यू, बट उनका क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग अलग हो जाएगा, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा. तो उस केस के अंदर आपको न्यू डीड, न्यू अग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे. तो पार्टनरशिप, फर्स्ट पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, यू कैन क्रिएट द नेक्स्ट एंड स्टार्ट द बिजनेस, बट जो हमारी फर्स्ट अर्लियर थी वो क्या हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो दिस ऑल आर द व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, दैट इज रिलेशन बाय अग्रीमेंट से क्रिएट होगा. देन इसमें एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस इज वेरी इजी, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, नंबर ऑफ पार्टनर जो इसके अंदर है मिनिमम आपको टू चाहिएंगे. पर्पस इनका क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना. कैपिटल यहाँ पे सारे पार्टनर्स को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. मैनेजमेंट किससे होगा, सारे पार्टनर्स जो है मिलकर मैनेज करेंगे. अनलिमिटेड लाइबिलिटी है यहाँ पे. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अगर सबके म्यूचुअल कंसेंट है तो आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो. लीगल स्टेटस इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो भी आपको एक्ट के अंदर लिखा हुआ है वो रूल्स रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो. एंड लाइफ स्पैन, कोई भी डेथ, किसी भी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो गई तो उस केस के अंदर एक बार आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा. क्लियर है ना? इसके लिए आपकी मेमोरी टेक्निक है, कॉफी पी के एक टन लेके मॉल चलते हैं, राइट? अब इसमें कॉफी, दैट इज फॉर, सी इज फॉर, सी इज फॉर कैपिटल, राइट? सी इज फॉर कैपिटल. पी के, दैट इज पी, P is for purpose. एक E, E is for establishment. Turn, T U R N. T transfer of ownership. U unlimited liability. R is for registration. N is for number of partners. Leke, that is L. L is for legal status. Mall, M A double L. M is for management. A is for agreement. And double L is for lifespan of firm. Mall चलते हैं, तो ये एक हमने टेक्निक बनाया, डेट इज कॉफी पी के एक टन लेके मॉल चलते हैं, है ना? ये तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, राइट? सबको हो जाएगा ये वाला लर्न. तो ये हमने क्या देखा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हमने देखी. अब इसके अंदर भी कुछ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हमें देखने हैं, सो विल मूव दैट.
फर्स्ट वन इजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. इसके अंदर भी हम बोलते हैं इजी प्रोसेस होती है, सिंपल होती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस लॉज इसके अंदर ज्यादा नहीं होते. सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज. एफिशिएंट मैनेजमेंट. देखो एफिशिएंट मैनेजमेंट तो होगा ही, कैसे, इतने पार्टनर्स है, किसी के पास कोई टैलेंट है, किसी के पास कोई टैलेंट है, कोई किसी में अच्छा है, कोई सेल्स में अच्छा है, कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई परचेस में अच्छा है, कोई अकाउंटेंसी में. तो क्या होता है, इससे जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, दैट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है. इंक्रीज इन गुडविल. इंक्रीज इन गुडविल अब इसमें कैसे हो गया, इतने पार्टनर्स है और इस केस के अंदर हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है. तो जब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो इतने पार्टनर्स है तो कोई भी हमें लोन दे देता है, कोई भी हमें उधारी पे गुड्स दे देता है, मींस क्रेडिट पे गुड्स दे दिया हमें. क्यों? क्योंकि इन्हें पता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बिजनेस से नहीं तो पर्सनली तो हमें पैसा मिल ही जाएगा. तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं हमारी गुडविल अच्छी हो जाती है, हमारा क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा रहता है कि लोग हमें पैसा, लोग हमें गुड्स दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वापस पैसा मिल जाएगा. तो गुडविल इंक्रीज होती है. मोर कैपिटल कंपैरेटिवली, हम बोलते हैं सो प्रोप्राइटर से यहाँ पे कैपिटल ज्यादा रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सन ज्यादा है, मोर देन वन है. एडवांटेजेस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर. ऑब्वियसली पार्टनर ज्यादा है, जो जिसमें स्पेशलाइज है हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. जब स्पेशलाइजेशन करते हैं तो ऑब्वियसली आपका वर्क ज्यादा अच्छा रहता है. जिसको ज्यादा अच्छा लगता है अकाउंटेंसी, जिसको मार्केटिंग, जिसको सेल, हमने क्या कर दिया, जिसको स्पेशलाइजेशन जिसमें है उसमें डिवाइड कर दिया. तो डेट विल बी मोर हेल्पफुल. प्रॉपर डिसीजंस इसके अंदर होंगे. क्यों? क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले सारे पार्टनर्स का कंसेंट लिया जाता है. एक भी पार्टनर ने अगर मना कर दिया तो वो केस में क्या होगा, उस केस के अंदर वो डिसीजन नहीं लिया जाता. दैट वन द बेस्ट कि यहाँ पे हम बोलते जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्विक डिसीजन लेने में गलती होती थी, बट यहाँ पे नहीं होगी. तो वही चीज है, प्रॉपर डिसीजन यहाँ पे लिए जाएंगे, क्योंकि 10 पार्टनर 10 से पूछा जाएगा, एक भी मना कर देगा तो नहीं होगा. फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे भी है. मैंने देखा कि अभी कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो रही है, चेंजेस आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि चेंज कर सकते हैं. अग्रीमेंट में ये लिखा है ये बिजनेस होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है वही बिजनेस करना. हमें लग रहा है हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं. ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको पूरा उसके अंदर प्रोसेस फुल अप करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप चेंज कर सकते हो. फ्लेक्सिबिलिटी अराइज है. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी. वही चीज मैंने की, 10 पार्टनर में से एक भी पार्टनर ने अगर कहा ये चीज नहीं होनी चाहिए तो वो नहीं होगी. हम बोलते हैं सब जगह मेजोरिटी विंस है, बट यहाँ पे माइनॉरिटी भी विंस है, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी ने अगर मना कर दिया तो वो चीज नहीं होगी. पार्टनरशिप में यही तो चीज है, 10 पार्टनर है तो 10 से पूछा जाएगा, बट ये डिसएडवांटेजेस में भी आएगा. हर डिसीजन लेने में आपको क्या होगा, डिले होगा, क्योंकि 10 लोग है, 10 से पूछना पड़ेगा हर चीज में. तो डिसीजन लेने में यहाँ पे हमेशा लेट होगा. डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर. अब इस केस के अंदर भी क्या होगा, पार्टनर्स है तो क्या हुआ, कस्टमर से डायरेक्टली हम कांटेक्ट तो कर सकते, इतने ज्यादा भी पार्टनर्स नहीं है तो यहाँ पे इंटरेक्शन अच्छा होगा, हम कस्टमर के प्रेफरेंस और टेस्ट को अच्छे से समझ सकते हैं. सो इट विल हेल्प अस. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. अब यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक पावर है, इट मीन्स रिलेटेड टू फाइनेंस, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होगी वो क्या होगी, डिसेंट्रलाइज कर दी जाएगी. जैसे को सेल का डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को परचेस का डिपार्टमेंट दे दिया, तो इस तरीके से क्या हो गया, इकोनॉमिक पावर जो रहेगा रिलेटेड टू फाइनेंस वो भी सब में डिवाइड कर दिया जाएगा. सेंट्रलाइजेशन एक जैसा यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा कि एक के हाथ में ही सब कुछ है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज सबको कर दिया जाएगा. लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स. कैसे हुआ, आप बोलोगे मैम ये तो प्रोप्राइटरशिप से बड़ा है तो इसके अंदर तो क्या होगा, इनकम भी ज्यादा होगी, तो लेकिन इसमें फिर टैक्स बर्डन कम कैसे हुआ. टैक्स बर्डन इस तरीके से कम हुआ कि पार्टनर्स अगर 5 पार्टनर है तो वो जो प्रॉफिट है पांचों में डिवाइड होगा और वो पांचों जो है वो टैक्स पे करेंगे, तो बर्डन कम हो गया ना, राइट. तो इस केस के अंदर इस तरीके से बर्डन कम हो जाता है टैक्स का, डिवाइड कर दिया जाता है प्रॉफिट सब में, तो उस तरीके से क्या हो गया, टैक्स बर्डन कम हो गया. क्लियर. तो ये हमने क्या देखा, ये हमने कुछ एडवांटेजेस देखी, दैट इज इजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस, एफिशिएंट मैनेजमेंट रहेगा, इंक्रीज इन गुडविल रहेगी, मोर कैपिटल, देन एडवांटेजेस होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर हम कर सकते हैं, प्रॉपर डिवीजन डिसीजन हम ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जब चाहे चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ प्रोटेक्शन किया जाएगा इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जो वो बोलेंगे उस तरीके से किया जाएगा, डायरेक्ट हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं विद कस्टमर, एंड डिसेंट्रलाइजेशन होगा इकोनॉमिक पावर का, एंड लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स. ओके, जो ये मैंने मेमोरी टैक्टिक्स दी है वो सिर्फ मैं अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की ही दी है मैंने, ठीक है. सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं इसी तरीके से आपको टेक्निक्स देती रहूंगी. प्लीज मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको ये हेल्पफुल है या नहीं. ओके, देन लास्ट इज लिमिटेशंस. अब कुछ लिमिटेशंस तो आनी है. लिमिटेड कैपिटल. अब आप बोलोगे इसमें लिमिटेशन कैसे हुई,
हमने ये देखा था कि सोल प्रोपराइटर में भी लिमिटेड कैपिटल है, तो वहां तो समझ में आया, बट यहाँ तो मैम ज्यादा पार्टनर्स है तो कैपिटल कम है। यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, हम ये कंपैरिजन विद कंपनी कर रहे हैं। कंपनी के पास तो कितना फंड होता है, क्यों? क्योंकि वो जब चाहे शेयर इशू करके पैसा ले लेती है। बट क्या पार्टनर्स के पास होता है? पार्टनरशिप में होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर्स होंगे, लिमिटेड ही होंगे। पार्टनर्स की तो कंडीशन, इतने पार्टनर्स आप रख सकते हो, तो उस केस में कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आ जाएगी। कंपनी में कोई लिमिटेशन नहीं है कैपिटल की, लेकिन पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आपको एक लिमिटेशन आ जाएगा। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वी ऑलरेडी रेड अबाउट दिस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट, अब ये क्या है डिसएग्रीमेंट पॉसिबिलिटी, वही चीज है, 10 पार्टनर है, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, तो उस केस में बहुत टाइम लगता है। मैंने आपको पहले भी बोला 10 लोग हैं, हमें सबका मेजोरिटी चाहिए कि 10 लोग के 10 लोग ये चीज पे एक्सेप्ट करें, तो उस केस में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, चांसेस है। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेट, जैसे हमने सोल प्रोपराइटर में ये एडवांटेज था कि सीक्रेट्स मेंटेन होता था, वहां पे स्ट्रेटेजी मेंटेन रहेगी, बट यहाँ पे अगर पार्टनर्स है तो कितने पार्टनर्स है, 5-6, सब क्या होगा, लीकेज हो सकता है आपकी सीक्रेट्स का, आपके स्ट्रेटेजीज का, आपका प्लानिंग का, तो ये एक तरीके से यहाँ पे लिमिटेशन है। डिफिकल्टी इन शेयर ट्रांसफर, जैसे कि अगर मुझे मेरा ट्रांसफर करना है शेयर, मुझे पार्टनरशिप से हटके किसी और को ये शेयर देना है, तो वो आपका सबका म्यूचुअल कंसेंट होगा, 10 पार्टनर 10 का कंसेंट होगा, तो ही आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। डिले इन डिसीजन मेकिंग, जो मैंने आपको बताया है कि इसमें डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है, क्यों? क्योंकि होगा ही, क्योंकि सबका कंसेंट आप लोगे, कितना टाइम लगेगा आपको? आप सोल प्रोपराइटर तो ही नहीं, मैंने सोचा मैंने कर दिया, 10 लोग है 10 से पूछना पड़ेगा, तो टाइम तो लेगा ही। एंड लास्ट इज शॉर्ट लाइफ स्पैन, जो कि मैंने कहा पार्टनरशिप के अंदर आपका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट रहेगा, एक भी इसके अंदर डेथ होती है कोई पार्टनर की, इंसॉल्वेंट, मेंटल कोई डिसेबिलिटी होती है, उस केस के अंदर आपका एक पार्टनर जाते से ही आपका फर्म तो डिसॉल्व हो जाएगा, बट अगर अदर पार्टनर हैव टू कंटिन्यू, सो दे हैव टू एस्टेब्लिश द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, वो क्रिएट हो जाएगा, बट एक बार की आपका पार्टनरशिप आपकी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? तो ये कुछ लिमिटेशन हमने देखे, दैट इज लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेट्स, डिफिकल्टी इन शेयर ट्रांसफर, डिले इन डिसीजन मेकिंग, एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आर देयर, दैट इज एक्टिव, स्लीपिंग, माइनर, नॉमिनल, पार्टनिंग प्रॉफिट ओनली, एंड पार्टनर बाय एंड स्टॉपर। व्हाट इज एक्टिव पार्टनर? एक्टिव पार्टनर मीन्स क्या होता है, एक्टिव पार्टनर जब हम बोलते हैं, जो पार्टनर एकदम हमारे मैनेजमेंट में, पार्टनरशिप में पूरी तरीके से एक्टिवली प्रेजेंट रहता है, उसे सब कुछ पता रहता है, जो कि हम बोलते हैं कि जितना वर्किंग आवर्स रहता है पार्टनरशिप में, उस केस के अंदर वो पूरा एक्टिवली मैनेज करता है, पार्टिसिपेट करता है, हर चीज के बारे में उसे पता रहता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। देन स्लीपिंग पार्टनर, व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर? जब हम एक्टिव की बात करते हैं, पूरा रिवर्स हो गया स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ बेयर करता है प्रॉफिट और लॉस, उसे कोई मतलब भी नहीं है, वो ध्यान नहीं देता कि पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, फर्म में क्या चल रहा है, वो एक्टिवली उस चीज में मैनेज नहीं करता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसे बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर। देन माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर हम बोलते हैं ऐसे तो एलिजिबल नहीं होता है फॉर पार्टनरशिप, लेकिन ऐसा कोई अगर केस है कि जैसे अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर जब हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उसका कोई सन है जो कि क्या बोलते हैं माइनर है, तो ही विल बी एलिजिबल, उसे एलिजिबल, उसे एक पार्टनर बना लिया जाता है, बट उसके पास इतने राइट्स और ड्यूटीज नहीं होती है। जब वो एडल्ट बन जाता है तो उस केस के अंदर उसे सारी राइट्स एंड ड्यूटीज दी जाती है, बट जब वो माइनर रहता है तो उसके पास सारे राइट्स नहीं होते हैं। लेकिन जैसे कि अगर किसी की डेथ हुई है कोई पार्टनर की, तो उस केस के अंदर अगर सन एलिजिबल है, तो उस केस के अंदर वो माइनर पार्टनर को पार्टनर बना लिया जाता है। देन नॉमिनल पार्टनर, अब नॉमिनल पार्टनर किसे बोला जाएगा? नॉमिनल पार्टनर वी कैन से कि जैसे अगर कोई सेलिब्रिटी है जिसका हम बोलते हैं कि अगर मैं कोई सेलिब्रिटी को पार्टनर बना लूं, तो मेरे फर्म का तो वैल्यू ऐसे ही बहुत बढ़ जाएगा, ऐसे ही गुडविल क्रिएट हो जाएगी, तो उस केस के अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं उस सेलिब्रिटी से बात कर सकती हूँ, राइट, कि मैं बोलूंगी कि आप मेरे पास पार्टनर बन जाओ, उस केस के अंदर मैं ऑब्वियसली उनको कुछ प्रॉफिट्स वगैरह दूंगी, तो उस केस के अंदर हमारा वो क्या हो जाता है, एक तरीके से नॉमिनल पार्टनर क्रिएट हो जाता है। उससे मैं कोई कैपिटल नहीं रेज करूंगी, उनसे मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मंगवाऊंगी, लेकिन मुझे पता है उनकी गुडविल से
मेरे फर्म की गुडविल बन जाएगी। मैं सिर्फ अगर मेरे पार्टनरशिप डीड में इनका नाम लिखूंगी तो उससे मेरी वैल्यू बिजनेस की बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बस मैं, और हमें भी पता है कोई भी सेलिब्रिटी का हम नाम लेंगे तो ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट होंगे या नहीं, तो उसे बोला जाता है नॉमिनल पार्टनर, कि उसका और कोई राइट नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन उनका नहीं चाहिए, उनका उनको कौन सा टाइम है हमारे साथ पार्टिसिपेट करने का। तो बस हमें क्या चाहिए, हमें उनका नाम चाहिए। तो किसी का इस तरीके से अगर हम नाम लेते हैं, कोई रेप्यूटेड ऐसे कोई सेलिब्रिटी है उसको हम पार्टनर बना लेते हैं, उसे बोला जाता है नॉमिनल पार्टनर, कि सिर्फ हमने उनका नाम लिया है। देन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जैसे कि हम बात कर सकते हैं अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास बहुत पैसा है और मुझे पैसों की जरूरत है, तो उस केस के अंदर उनका भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, कोई मैनेजमेंट में राइट नहीं है, लेकिन हम उनसे पैसा लेके उन्हें पार्टनर बना सकते हैं। और उस केस के अंदर वो किसके लिए बेयर करेंगे, सिर्फ ओनली प्रॉफिट, ही विल नॉट बेयर द लॉस, उनको सिर्फ प्रॉफिट दिया जाएगा। वो बोलेंगे हाँ आपको अगर प्रॉफिट होता है फर्म को बिजनेस को तो हमें उसका शेयर दे देना, हम लॉस में बैड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो कैपिटल चाहिए, हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे हमारा बिजनेस चल सके, तो हमने उन्हें हाँ बोल दिया। तो डेट इज पार्टनर इन प्रॉफिट ऑनली, कि सिर्फ हमने उन्हें प्रॉफिट में अपना हिस्सा दिया है। क्लियर? एंड लास्ट इज पार्टनर बाय स्टॉपल, इसे क्या बोला जाता है स्टॉपल होल्डिंग आउट, मतलब कि जैसे वो पार्टनर नहीं है बट सबको लगता है वो पार्टनर है, होता है ना ऐसा, होता ही नहीं होता है? जैसे हम बोलते हैं कि कोई शॉप पे, कोई मेरी एक शॉप है, मैं बैठी हूँ शॉप पे, उस केस में मेरी एक फ्रेंड है जो हमेशा आके बैठ जाती है, तो सबको क्या लगता है जो भी कस्टमर्स आएंगे, यार ये दोनों तो पार्टनर्स हैं। बहुत 90% लोगों को लगेगा, आप लोग के साथ भी कभी ऐसे होता होगा कि कहीं आप शॉप पे जाते हो आपको हमेशा वो दो बंदे वहां पे दिखते हैं, तो आपको क्या लगेगा यार ये दोनों का ही होगा ये शॉप, राइट? बट एक्चुअल में हमें जब बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो सिर्फ इसी का है, ये तो सिर्फ ऐसे इसका फ्रेंड था जो आके यहाँ पे बैठता था, लेकिन हमें नहीं पता था। तो ऐसे केस में उसे बोला जाता है पार्टनर बाय स्टॉपर। जैसे अगर समझ लो कि मैंने उसे मैंने कोई गुड्स लिए बट उसका मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया, और इन केस अगर मैं वो पेमेंट नहीं करती हूँ आफ्टर 30 डेज और मुझे अगर कुछ हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो सामने वाली पार्टी होगी वो किसके पास जाएगी, जो मेरी फ्रेंड थी, वो बोलेगी इसके साथ हमेशा ये बैठी रहती, इसको तो पता ही होगा सब। वो बोलेगा मुझे क्या पता, है ना, वो बोलेगा मैं तो सिर्फ आके बैठती थी उसके पास 2-3 घंटे, मुझे थोड़ी पता कि आपका इंटरनल मैटर क्या है, वो मुझे थोड़ी ये बताते थे कि आपने कितना परचेस लिया है, उसने कितना क्रेडिट पे गुड्स लिया है, तो बाद में ये पता चलता है। लेकिन जो बाहर के लोगों को लगता है कि हाँ ये तो इसका पार्टनर है या इसकी पार्टनर है, उस केस के अंदर उसे बोला जाता है पार्टनर बाय स्टॉपर, कि दूसरे लोगों को ये लगता है ये पार्टनर है बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं। ओके, तो ये कुछ हमने बेटा यहाँ पे क्या देखे, कुछ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखे, दैट इज एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, माइनर एंड पार्टनर बाय स्टॉपर। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे टाइप्स थे पार्टनर्स के। देन वी कम फॉरवर्ड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब पार्टनरशिप फॉर्म की कुछ टाइप्स है, दैट इज अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। ये तीन टाइप्स के यहाँ पे पार्टनरशिप्स है। जब हम टाइम लिमिट की बात करते हैं तो उस केस के अंदर फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब पार्टनर्स लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट की बट ये नहीं सोचा डिसॉल्व कब करनी, वो लोग अपने म्यूचुअल कंसेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कभी भी इसे डिसॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने कोई टाइम सेट नहीं किया है कि कब हमें ये डिसॉल्व करनी है फर्म, दैट इज पार्टनरशिप एट विल। देन सेकेंड इज टर्म पार्टनरशिप, ये हमें टर्म से ही पता चल रहा है क्या होता है टर्म पार्टनरशिप, दैट इज क्रिएटेड फॉर एनी स्पेसिफिक टर्म। 10 ईयर्स के लिए हमने क्रिएट की, 5 ईयर्स के लिए हमने क्रिएट की, तो होता है टर्म पार्टनरशिप। एंड लास्ट इज फॉर ए स्पेसिफिक वर्क, स्पेसिफिक वर्क मतलब मैंने कोई स्पेसिफिक वर्क के लिए एस्टेब्लिश किया, यानी कहा हमें ये कंस्ट्रक्शन का वर्क करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है ब्रिज, हमें रोड, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने ये पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट किया, जब भी मेरा ये वर्क हो गया आई विल डिसॉल्व दिस फर्म, दैट इज स्पेसिफिक वर्क। So these are the types according to time limit, that is at will, term partnership and for a specific work. Then according to liability, liability के according हम देखते तो firm with limited liability and unlimited liability, ये दो types की यहाँ पे क्या होगी liability and limited। जब हम limited liability की बात करते हैं इस case के अंदर हम बोलते हैं सारे partners की क्या होगी limited liability रहेगी but एक partner की unlimited, क्योंकि partnership के अंदर unlimited liability तो है लेकिन जब आपने क्रिएट किया विद लिमिटेड लाइबिलिटी तो एक पार्टनर इसमें बोलेगा मैं अनलिमिटेड रखता हूं, बाकी सबको क्या रखना है लिमिटेड रखना है। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स में ही हमने देखा कि अनलिमिटेड होती है इसकी लाइबिलिटी, तो लिमिटेड का तो सवाल ही नहीं है।
ठीक है, तो जो भी हमने गुड्स लिए हैं, किसी से भी लोन लिया है, तो वो हमें अच्छे से दे सकता है, क्योंकि एक भी पार्टनर की अनलिमिटेड होगी, तो कैसे तैसे उनका पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा रेस कर सकते हैं. सो दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, कि बाकी सबकी लिमिटेड हो जाएगी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उस केस के अंदर सबकी अनलिमिटेड रहेगी, जो कि हमने नॉर्मली देखा कि सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. देन लास्ट इज अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, दैट इज रजिस्टर्ड फर्म एंड अनरजिस्टर्ड फर्म. मैंने ये पहले बताया कि इट्स नॉट कंपल्शन टू हैव रजिस्ट्रेशन. पार्टनरशिप फॉर्म में, एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करवा लो तो उसके लिए आपको ही बेनिफिट होगा. फ्यूचर में कोई भी अगर आपको डिस्प्यूट्स होंगे, कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, सो यू कैन गो टू कोर्ट. लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड फॉर्म नहीं हो, सो यू कांट गो. सो दैट इज रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड फॉर्म. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड. व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डीड. इट कैन बी इन रिटन और ओरल. पार्टनरशिप ओरिजिनेट ही डीड से होती है, ये हमें पता है. जब हम अग्रीमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक डीड बनाई जाती है. वो डीड क्या होता है, ये बहुत मैंडेटरी चीज है कि आपको ये डीड बनानी पड़ेगी. अब ये रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी. जैसे हम अग्रीमेंट की बात करते हैं तो डीड भी रिटर्न या ओरल, बट रिटर्न में ही आपका ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. क्यों? क्योंकि डीड में क्या लिखा जाता है, सारे पार्टनर्स का नाम, सारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कौन कितनी लेके आया, फ्यूचर में क्या डिस्प्यूट्स होंगे तो क्या होगा, तो ये सब चीजें इसके अंदर लिखी रहती है, दैट इज इन डीड. तो ये डीड बहुत मैंडेटरी है जो आपको बनानी पड़ेगी, बट यहाँ पे ऑप्शनल दिया है कि यू कैन मेक इट इन ओरल और रिटन फॉर्म. क्लियर? तो ये एक डीड होती है जो कि मैंडेटरी, बनाना तो मैंडेटरी है. ये अगर नहीं बनाओगे तो आपकी पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हो सकती. देन लास्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म. ये क्या है, कुछ डिफरेंस दिए हैं किसके बीच में, प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप का फॉर्म के बीच में. कुछ हम देख लेते हैं इसके बेसिस क्या दिया है. फर्स्ट वन गिवन इज मीनिंग. मीनिंग में हमें पता है कि क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टेब्लिश हुआ है बिजनेस जो कि एक ही पर्सन क्रिएट करता है, लॉस भी बियर करेगा और प्रॉफिट भी बियर करेगा. एंड इन पार्टनरशिप फॉर्म टू और मोर पर्सन अग्री हुए हैं जो कि म्यूचुअली प्रॉफिट को भी बियर करेंगे और लॉस को भी बियर करेंगे. देन नंबर ऑफ पर्सन, मेंबर्स यहाँ पे कितने हैं, यहाँ बोलते वन है, यहाँ पे मिनिमम हमें टू पर्सन चाहिए. कैपिटल यहाँ पे कौन लेके आता है, यहाँ ओनर लेके आते हैं, और यहाँ पे जो भी डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा. एस्टेब्लिशमेंट जो प्रोसेस है यहाँ पे कोई भी एनी पर्सन कैन एस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको अग्रीमेंट से ही आपका यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा. यहाँ जो डिसीजन है ये क्विकली आप रेस कर सकते हो, एक ही पर्सन है, बट यहाँ पे सबके कंसेंट चाहिए, आपको सारा कंसेंट चाहिए, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे डिले हो सकता है. देन प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ पे ओनर बेयर करेगा, यहाँ पे सारे पार्टनर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. देन यहाँ रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, यहाँ पे एक्ट के अकॉर्डिंग इट इज नॉट कंपल्सरी. मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी हमें पता है यहाँ पे मेंटेन रहेगी और यहाँ पे लेस है क्योंकि यहाँ लीक हो सकती है. ट्रांसफर ऑफ शेयर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे ओनर कभी भी ट्रांसफर कर सकता है, एक ही पर्सन है, बट यहाँ पे आपको सबका क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा. और यहाँ पे जो रिस्क की बात है, यहाँ पे अकेला कौन है, ओनर, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा अमंग पार्टनर्स. क्लियर है? तो ये हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देखे जो कि हमने डिफरेंस के लिए देखे हैं बिटवीन सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप, दैट इज मीनिंग, नंबर ऑफ मेंबर, कैपिटल, एस्टेब्लिशमेंट, डिसीजन, प्रॉफिट एंड लॉस, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड रिस्क. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आया है, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, मेमोरी टेक्निक्स दी है मैंने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. सो प्लीज एक बार आप इसे रीड आउट कर लो. अगर कोई भी इशू हो आपको, सो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स. ओके, सो डन. आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2. ओके, बाय.